नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। अभी हम इस वक्त नवादा लोकसभा के नारदी डीह गांव में हैं, जो कि नारदीगंज प्रखंड में आता है। यहां के ग्रामीणों से जानेंगे कि नवादा लोकसभा चुनाव में इस बार उनका मुद्दा क्या है, किस पार्टी को वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा, क्या समस्याएं हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे आज हम नारदी डीह में। तो आइए चलते हैं, सीधे बात करते हैं। क्या नाम है? क्या रविंदर सिंह। क्या माहौल है? ठीक है सर। केकर वोट पड़ते हैं अभी? फूले के पड़ते हैं। फूले के? हाँ। विकास होले है काम? हाँ सर, हाँ सर, विकास देना हो, लेकिन देखो कि चले बगैर नहीं बन रहा है। हाँ हाँ, थूल कर रहा लोग कि सही विकास होले। तो ही विकास अब देखे कि नहीं सर। हाँ, होले है विकास? विकास होले तो देखो ना, है कि नहीं है? अरे बताई भो ना, देखो कर है? चंदन बाबू कुछ दिए हमको नहीं पता है। हाँ जी, क्या है माहौल यहाँ का? माहौल लोकसभा का माहौल यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर काम उम जैसे जो जो जीतता है कोई वापस आता ही नहीं है, तो काम क्या देखेगा। स्थानीय नेता का मुद्दा है? हाँ, स्थानीय नेता का मुद्दा है, यहाँ बाहरी नहीं चलेगा। इस बार बाहरी को एकदम भगाना है, चाहे वोट नहीं पड़े वो खाली जाएगा, बूथ कबूल है। क्या नाम हुआ साहब? राहुल जी, आप भी यही सोचते हैं? नहीं सर, मेरा क्या बताइए साहब? नरेंद्र मोदी के अनुसार वोट है। नरेंद्र मोदी के अनुसार विकास कार्य पे कि राष्ट्र में जो काम हो रहा है उसको लेकर? राष्ट्र पे। नवादा लोकसभा का विकास मायने नहीं रखता? नहीं सर। पकड़ के बोलिए। यस सर, नवादा लोकसभा का विकास मायने नहीं रखता, देश का विकास ऐसा हम सोचते हैं, बाकी लोग सोचते हैं। सेंट्रल की नीति अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ सर? अमित कुमार। सर कैसा माहौल है अभी? यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है। कौन पार्टी निकलेगा? यहाँ के गुंजन सिंह का नवयुवा संघ जितना है सब गुंजन सिंह के हैं। निर्दलीय प्रत्याशी? निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह। गुंजन सिंह भाजपा के देते हैं, लेकिन यहाँ के चंदन सिंह जो थे उनको पास 10 पुत्र गए यात्रा शर्मा के लिए। तो लोजपा के? लोजपा थे, मैंने तो लोजपा से तो वही तो है यहाँ के संसद के नियम को वहाँ गए तो शर्मा का मुद्दा लेके तो 10 बूथों का टहला रहे, तो वो तो आते तो उनको निकलेक्ट करते। अभी सोच रहे थे कि स्थानीय चाहिए हमको, तो स्थानीय सोच रहे हैं सब बूथ सो गए, स्थानीय यहाँ दे दिया दूसरा के शैम्बुल। तो हम तो सोचे निर्दलीय देंगे, जितना ऐसे लोटा में डालते, लोटा में ऐसे लोटा में हम डालते लोटा में, लेकिन शर्मा जुगे सोच रहे हैं कि अब देंगे गुंजन सिंह को। क्या नाम हुआ बाबा? चंद्रिका से। कौन पार्टी निकलते है यहाँ से? मोदी जी। मोदी जी, हाँ। तो युवक सब तो गुंजन सिंह कह रहा। कहा तो अपना अपना मर्जी है, अपना अपना मर्जी है। हमारा तो हाँ मोदी जी के विकास था होले से तो कह रहा कि ट्रांसफार्मर होने को दे, ट्रांसफार्मर दे है व्यक्ति खाई लेने दे। अच्छा, हमारा पुराना में खाए ले नहीं दे है व्यक्तिगत आओ की घूस नहीं दे है। हाँ, व्यक्तिगत खाए नहीं दे। हाँ, स्कूल बन गए, अच्छी हॉस्पिटल बन गए, रोड बन गए, जहाँ रोड के शाखा नहीं है वहाँ रोड बनल है, तो आओ कोई विकास होगा? अब क्या विकास होगा? कौन पार्टी निकलेगा यहाँ से नारदी डीह से? अभी नवादा लोकसभा में से कौन पार्टी निकलेगा? अरे यहाँ से ई बूथ से निकलेगा ना भाई। हाँ, ई बूथ से ही बोलिए भाई। हाँ, तो यहाँ क्या माहौल है, हम इसी की बात करने आए। तो सब का माहौल है, कोई भाजपा को देगा, कोई लोजपा, कोई आरजेडी, वो एक मुश्त नहीं लगो है कि एक गांव है तो यहाँ से ही लीड कर जाए। ऑप्शन तो नहीं होते, सब मिला जुला ऑप्शन, कोई काम है नहीं किन ऑप्शन, कोई काम करती ना तो ना कि एक आदमी के लिए ठीक है, वह ठीक है, सब ऐसे पाँच पाँच आदमी तो चिंते कम से कम कि हमारा पाँच आदमी वोट देवे इनके हल, और पाँच आदमी पूरा गांव काम करवे। हाँ, पाँच को नहीं पूरा गांव के नहीं करवे, अपने करते न, एक एक गो के करते न। ऐसे है कि वोटवा दिलिये चंदन सिंह के, वो जीत के कभी वो पार्टी कभी वो पार्टी, यहाँ एलखिन तो चार गो के बड़का बड़का चिन्हलखिन, छोटकन के तो नहीं चिन्हलखिन कि गरीब आदमी है इनको दुवरिया पर। वैसे यहाँ के समस्या की है आस पास के, खाली गाँव के नहीं आस पास के की समस्या? बहुत समस्या,
बहुत गांव में ऐसा नहीं कि अभी तक रोड नहीं पहुंच ले, बहुत गांव में ऐसा नहीं कि लाइन पहुंच ले लेकिन टाइम से लाइन नहीं पहुंच ले, मतलब कि तार पहुंच गए और हम करंट नहीं पहुंच गए। स्कूल स्कूल के स्कूल तो जाके देख लो, और हमें जानवर हग है बकरी हग है जाके देख लो, करकेट के अति गेट बन ले तो करकेट के छत भी हुए गेटवे वाला ऊपर रखा गया है जाके देख सक लो, मतलब मिला जुला कैसू चल कैसू एकदम जिंदा है खाली। ये स्कूल है एगो भीतर है वो जाके देखो छतवा बुतरुआ पर गिरता है कि मास्टरबा पर गिरता है, गोदरेज है लिया सरकार से तो गोदरेज के पल्ला है वो इन्हें देखे चीज है वो जाके देखो। ये नेतबा तो आवो अखिल बड़कन तर अलखुन चार घर घूमल खून चल दिल उनका की पता है बड़के के ना कुल बात मानो है वो ना वो बड़के भी राजा ना वो जाना अखिल के इनका पास कुछ है लेकिन केरो पास अब कुछ नहीं है, सब अब अपन मन का मालिक है, अब वो सब नहीं चलते। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी क्या मुद्दा है इस बार लोकसभा नवादा का? मुद्दा यही है कि कोई भी नेता जो भी है जीतते हैं एक बार अभी आए, जैसे जीतने के बाद दोबारा कोई नहीं आते हैं, जैसे अभी आए दो बिना टूके खाए पिए निकल गए, ना गांव घूमे ना गली घूमे, उनको कैसे पता चलेगा कि गांव में क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है फलना दिक्कत है, जब उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा तो वो काम क्या करेंगे, आए दो मिनट में निकल गए, ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी नेता जीतेगा, हम लोग लोकल नेता रहेगा कुछ भी काम करेगा, कुछ होगा हम लोग को आएंगे, पटना से बार बार तो इधर आएंगे नहीं, क्या विकास हुआ नारदीगंज में पूरा घूम के देख लीजिए, एका भी इसका पहले जो भी थे सांसद में वो कभी आए हैं दोबारा, किसी के पास आए हैं नहीं आए। क्या मूड है इसमें? मूड है घर का बेटा घर का नेता, घर का बेटा घर का नेता गुंजन सिंह का। हाँ तो गुंजन सिंह सही तो है, घर का बेटा घर का नेता गुंजन सिंह। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार है, हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा। अब आप तो गठबंधन के हो गए महाराज, तो आपसे क्या पूछे? पूछिए जो पूछिएगा वो बताएंगे। देखिए अभी आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि स्थानीय नेता नहीं है, स्थानीय नेता को हम तवज्जो देंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए जो बोल रहे हैं वो तीन इंच बिना वोट वाला है, ठीक है, बाल बुतरू है, उनको समझाएंगे, छोटा भाई है ना सब है, समझाएंगे, गार्जियन जो बोलेगा वही ना, भूमिहार समाज में वो बात है कि जो गार्जियन कहता है वही सब बच्चा चलता है, तो सब चलेगा, वोट बता देगा कि कितना नारदी डी के है, बच्चा के बात नहीं मान रहे, बच्चे के अनुसार तो हम लोग है, ये हम लोग क्या है, गार्जियन का जो आदेश होगा वो होगा, नारदी डी बूथ पर आके चुनाव के कॉन्टिन्यू देख लीजिएगा, 80% वोट विवेक ठाकुर को रहेगा, मोदी जी को एकदम 100%। मोदी जी के क्या नाम है? क्या सिंह किसको इधर से वोट मिलेगा? जिनको टिकट मिला है भाजपा के, टिकट तो मिला है सरवण कुशवाहा हो के, नहीं तो उसको नहीं देंगे, भाजपा के देंगे, भाजपा को मोदी जी के, मोदी जी आप योग भेजे हुए गंदी भेजे ही ले 400 रुपया दे रहे वृद्धा पेंशन, हाँ भोजन दे रहे हैं, अच्छा 5 किलो दे रहे हैं मोर्चा। माहौल तो बस जिसका था पिछले बार, शिकायत वगैरह करने वाले तो शिकायत तो करेगा ही, काम हुआ है? हाँ बहुत काम हुआ है नवादा लोकसभा में, हाँ हाँ खूब हुआ है बहुत सा। नवादा लोकसभा में किसी विकास काम होले जरी बताओ? खूब होले, हालांकि हम तो देहात में गांव में रहे किसान ही हो, लेकिन अच्छा होले खूब हो। कहोगी मोदी जी किसान निधि दलखीन अनाज दलखीन सब कुछ दे रहे हैं किसान, यहाँ देश से लेकर विदेश तक सब कुछ कम्प्लीट किए हुए हैं। हाँ जी यही कहिए कि राष्ट्र की नीति पर दे रहे हैं। हाँ सब चीज बहुत अच्छे हैं नवादा लोकसभा में, नवादा लोकसभा में भी ठीक है। विवेक ठाकुर जी को तो पहली बार वहाँ हम लोग को नहीं पता है, लेकिन देखिए मिलेगा मोदी जी के नाम पे वोट, अभी राज्यसभा सांसद है। हाँ हाँ इन्हीं को मिलेगा, हाँ हाँ इन्हीं को मिलेगा। की नाम होले चा? हमारा नाम तो अशोक सिंह है। अभी नेताजी आल हलकुन की माहौल है अभी नवादा में? अभी तो नेताजी अभी गेलखिन है, माहौल यहाँ के गड़बड़ कहियो न होले, काहे कि यहाँ तो हमेशा भाजपा जीते गेले हैं और जादू ओकर से भाजपा की सीट है ना? हाँ तो है, लगा देख रहे हैं 50-55 साल से भोला सिंह चंदन सिंह जहाँ से सुनिए से। हाँ सिंह हाँ हम लोग का है
काहे कि उनकर बात हमने के कोई देखे वाला पैदे नहीं होलो अभी तक। मैं तो कुछ हमरा की कर रहे समाज में कर रहा जमात के कर रहा इलाका के जिला के, तो आओ अब जो उनका जहाँ तक समझ में आ रहा कर रहा हम निक लग रहा लेकिन अच्छा कर रहा अब की कर हम अंगा पैजामा खोजब तब तभी जन देखे हमरा कलखिन जे भी कर रहा कर रहा का है ऐसा देश के भविष्य तो अभी तो वही जना रहे हैं मोदी जी जरूर राहुल गांधी नहीं नहीं ऐसा का कांग्रेस के राज में तो बहुत हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया किसान को 6,000 रुपया साल में गरीबों को अनाज 5 किलो आयुष्मान कार्ड दिए किसान को बिजली दिए तो बोल दिया है 5 किलो अनाज दिए है अरे बताबो का मोदी जी को हाँ हाँ मोदी जी के विजय अच्छा कल हो के कोई नेता आके 10 किलो अनाज कर दे 12,000 रुपया कर दे तो मोदी जी के वोट देंगे हम लोग अब दोनों में अंतर बताऊं अंतर तो है ये कि विकास पहले ही किया है इनको अच्छा, हम रास्ता दिखाए हाँ इनको हम नहीं छोड़ेंगे मोदी जी का साथ ना छोड़ेंगे नहीं हा? नहीं अगर ये 10 अगला चुनाव भी होगा तब मोदी जी के हम लोग चाहेंगे तो कह दिए कि अब हम रिटायरमेंट ले लेंगे छोटी ले लेंगे तो फिर इनके जगह पर आवेंगे वैसे रहेंगे तो उनको वोट देंगे तो क्या है इस बार लोकसभा चुनाव में नवादा से कौन निकल रहा बीजेपी लोग कह रहा है कि बाहरी को टिकट देता है एक बार मांगने आता है वोट उसके बाद दिखाइए नहीं देता जो है बीजेपी तो मोदी तो क्लियर है मोदी तो क्लियर है मोदी जी को वोट दे रहा है मोदी जी नेता वोट नहीं दे रहा मोदी जी का है काम कर रहे कम्मा बता रहा हूँ नेका थोड़ा सा नहीं बोले नेका सब कहो है कि हम गुंजन सिंह के दबाए तो करा दबाए वही कम्मा है दूगो बता दो अरे गरीब के तो सब कुछ करिए रहे हैं अरे पेंशन दे रहे हैं फलना चीज दे रहे हैं लाइन बिजली सड़क सब कुछ दे मोदी जी क्या नाम हुआ अच्छा मेरा नाम जगत किशोर सिंह क्या माहौल है नवादा लोकसभा का अभी तो स्थिति बहुत सुंदर है इसके लिए सुंदर है राजद के लिए भाजपा के लिए कमल फूल का है कमल फूल बहुत काम किया लेकिन एगो आरोप सब लगा वो है कि स्थानीय नेता नहीं देते हैं एक बार आए वोट मांगे उसके बाद गायब खोजते रहिए दिया बार के स्थानीय नेता है कोई नहीं वैसा कोई है नहीं सब भूलमूल होने वाला सेने क्या आए थे हमारे पत्नी मर गई थी उसमें आपके हसुआ विधायक अनिल सिंह तो बहुत कहीं की बोलिए गैर जगह के आके यहाँ सांसद बन जाता है यह है और नवादा जिला के तो मेन है हमका तो ऐसा लाइक आप बना नहीं रहे हैं और कोशिश तो वो भी खूब किया टिकट के लिए किए लेकिन कहाँ हुआ नहीं हुआ वही बात हाँ वही बीजेपी निकलेगी एकदम बीजेपी लॉकडाउन से बीजेपी का काम यही है कि जितने भी राशन कार्डधारी है सबको फ्री गल्ला गैस सिलेंडर घर घर बिजली हम लोग को वृद्धा पेंशन नहीं था लेकिन वृद्धा पेंशन वही 10% आरक्षण ला अच्छा सवर्णों को 10% नहीं हुआ जो आर्थिक रूप से कमजोर है सवर्ण आर्थिक रूप से कमजोर है हम लोग कमजोर ही में नहीं है हम लोग कोई बड़का आदमी है बावन कमजोर कहिया सो अरे बावन का बावन के बोल है बढ़िया
कमजोर तो अंतिम से है अपना अपना जैसे कटोरी गिरी में तो है आर्थिक रूप से जैसे बिहार में उत्तर बिहार भूमिहार बड़ा बड़ा किसान 60 बीघा 70 बीघा 150 बीघा 100 बीघा जैसे वाला और वही बिहार में दक्षिण बिहार 1 बीघा 10 कट्ठा 2 बीघा तो आर्थिक कठिन है निर्भरता किसानी खेती पर तो मोदी जी अब जो है से उपकार कर रहे हैं तो बैठे बैठे दुनिया संसार देखो घर बैठे भोजन भी क्या नाम हुआ विवेक कुमार क्या विवेक कुमार जी नवादा लोकसभा का क्या माहौल है पहले तो भैया तो चैनल सब देखे वाला के प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के आप पूछा की पूछे को नवादा लोकसभा में कौन पार्टी निकल गया पार्टिया के तो देखा निर्दलीय में गुंजन भैया ठीक हो आ गुंजने भैया के हमने आदमी ही हो और गुंजने सिंह के वोट भी देखो कलाकार कलाकार नहीं हो गुंजन सिंह नवादा के बेटा हो तो देखो तो वोट बा उनके जो नवादा के बेटा हो यादव अशोको यादव कुशवाहा कारण लगल है ना में मोदी जी का ठप्पा नहीं लगल है लेकिन बात है कि गुंजन सिंह के जहाँ तक यो निर्दलीय की इनको में ठप्पा नहीं है लेकिन गुंजन सिंह जहाँ भी जा रहे हैं जो भी स्टेटमेंट ये अपना दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि मोदी हमारा दिल में है मोदी जी उनका दिल में बसा हैं गुंजन सिंह के टिकटवा कहन मिले हाँ तो इनका तरफ से है ना वो चीजवा मोदी जी के तरफ से नहीं हले वो गुंजन सिंह के तरफ से है समझ लो अभिजीत जी थी तो आराम से मोदी भी कहते कि आवा गला लगी थी तो मतलब निर्दलीय जीत के अचल निर्दलीय जीत के ये अपना क्षमता साबित करेंगे दिखाएंगे मोदी को ठीक है कि देखिए हम अब आपके लायक हो गए हम जिताऊ कैंडिडेट थे आप टिकट नहीं दिए हाँ डबल डबल बोनस लेके जाएंगे मेरा इंतकाम देखोगी भला हाँ गर्दा मचा देंगे हाँ नवादा का बेटा नवादा का नेता नवादा का बेटा नवादा का नेता हाँ नेता तो होना चाहिए घर एक नहीं जी अब जैसे यहाँ पे भैया आए विवेक ठाकुर आए भोजन वोजन किए चल गए यहाँ पूरा गांव आप घूम लीजिए आ जाके पूछिए हमको लगता है कि 90% आदमी ने ये बताएगा आपको कि हम नहीं चिन्हते उनको वो आए खाना खाए चल दिए ऐसे थोड़े होता है घर घर आपको घूमना पड़ेगा कम से कम लोकसभा में 6 से 7 विधानसभा हो वो है एक विधानसभा में 50 से 100 वो गांव हो वो है ये वो नेता कई गांव घूमते हैं अच्छा गुंजन सिंह घूम लेते हैं गुंजन सिंह भी नहीं घूमते अगर नहीं घूम पेती रात दिन करके घूम रहा थी ना और अगर जहाँ नहीं घूम रहा है ना उनका आदमी बता रहे सबके समझा रहे लेकिन बात है कि हाँ वो तो कुछ नहीं है देखे मिल रहा है वही की कम से कम ये तो होता ना पूरे गांव में क्या विवेक ठाकुर आने वाले हैं बीजेपी से टिकट मिला उनको तो वो भी कुछ नहीं था सन्नाटा ऐसी चारों गाड़ी ये ले खाना खेल चल दल की बाजा उजा नहीं बजे के है बजे बस की मतलब है उनका रदमिया बाजा बनती है उनका जो रदमिया थी बीजेपी के उनका तो बाजा बनना वाले तो वो सब तो कुछ नहीं बोले क्या नाम है राहुल सिंह क्या राहुल जी आप कुछ रोजगार को लेकर बात कर रहे थे अरे बिल्कुल इसमें बात की करना है समस्या दिखाई दे रहा है 18 वैकेंसी 24 में आ रहा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है सोचिए जनरल कास्ट के अब दिए एक तो सीमा कम कर दी है 4 साल में बूढ़ा बना दे रहे हैं 4 साल में वैकेंसी लाइएगा कैसे रोजगार पाएगा इंसान बड़का बड़का बात भी 17 सितंबर के लाभ मन की बात रोजगार 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 पकौड़े बेचने रोजगार है बोलिए कौन और अल्टरनेट क्या है अल्टरनेट क्या है कुछ नहीं है रोजगार दीजिए हम लोग को मोदी विकास के नाम पे वोट लीजिए ठीक है मंदिर धर्म सब 370 सब बहुत अच्छा समर्थन किए हैं CIN सब सबके NRC सबका समर्थन रोजगार भी एक मुद्दा होना चाहिए तो कह रहे हैं कि हम देखिए पिछले 10 साल में जितना PF अकाउंट खुला है उतना PF अकाउंट सब फर्जी है महाराज आप तो मीडिया वाला है सब फर्जी है PF अकाउंट दो को जी है PF अकाउंट तो उसी का खुलता है जिसको वेतन मिलता है महीना का पीएम किसान किसका खुलता है पीएम किसान किसका खुलता है जिसका खेत होता जो किसान होता है किसान होता है एक घर में एक जमीन पर 10 अकाउंट खुला हुआ है कि नहीं।